खूबसूरत लम्हा है ना ये, जी चाह रहा ये लम्हा हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। जानती हो तुम्हारी ये गहरी सांसें मेरी जीने की वजह है। काश काश ये लम्हे जिंदगी से कभी भी ना जाए। ऐसे खूबसूरत लम्हे हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे। जरूरत कैसे हुई, जरूरत कैसे हुई लीजे का दुपट्टा पहनने की? मैंने नहीं पहना था, लीजी ने मुझे खुद पहनाया। उसने तुम्हें पहनाया और तुमने बहुत आराम से पहन लिया। तब क्या हुआ था जब मैं तुम्हें अलीजे समझ के तुमसे बात कर रहा था, तब क्यों नहीं बोली? सच तो यह है कि तुम्हारी चाहत है कि तुम अलीजे की जगह ले लो मेरी जिंदगी में। आखिर मुझे नाजायज तरीके से आपको हासिल करना होता ना हफ्ता, तो ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी और के हक पे डाका डालूं। अरे तुम उसके हक पर क्यों डाका डालोगी? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और मैंने कब वादा किया तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कभी ये तक कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? किस वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई हो तुम? असल बात यह है कि तुम जलती हो मुझसे, मेरी खुशियों से। तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती हो अलीजे के साथ, और तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मैं कैसे अलीजे को अपना रहा हूं। मुझ पे इल्जाम ना लगाएं। अगर ये इल्जाम नहीं है तो फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों आई हो यहाँ पे? चली जाओ ना यहाँ से। लेकिन सच ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और यही मोहब्बत तुम्हारी मजबूरी बना हुआ है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा रही। हाँ, जब इंसान मोहब्बत करता है ना तो पाने की चाहत भी रखता है। और मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि मैं आज भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालना आपके बस में नहीं है ना, इसी तरह मेरे दिल से आपके लिए मोहब्बत निकालना मेरे बस में नहीं है अफनान। करती हूँ मैं आज भी आपसे मोहब्बत। साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। देखो अफनान की तो शादी हो रही है, शादी के बाद वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगा।
फिर क्या करोगी? अकेली बैठी बोर होती रहोगी। इसलिए कह रहा हूं मुझसे दोस्ती कर लो। अरे ठहरो तो सही, हटो मेरे रास्ते से। मैं करीब आने की बातें कर रहा हूँ, मेरा मतलब हमारे दिल करीब आ जाएंगे ना अगर हमारी दोस्ती होगी तो। तुम मुझे हटा रही हो, ये कुछ देखो हमशा, मेरा यकीन करो स्नान से ज्यादा ऐश कराऊंगा तुम्हें। इतनी रौनक लगी हुई है, मायो की रस्म चल रही है और आप यहाँ अकेली बैठी हुई है। रस्में अभी तक चल रही है? हाँ रस्में अभी तक चलनी है, इतनी रौनक लगी हुई है। चलें, चल कर देखें मेरे साथ। नहीं अभी अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा आने का। रमशा बीबी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी शक्ल उतरी उतरी लग रही है। नहीं मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आंखों से लग रहा है जैसे कि आप बहुत रोई हो। तुम डॉक्टर हो? नहीं ना, तो फिर क्यों इतने सवाल पे सवाल कर रही हो? और तुम आई क्यों? वो मुझे बड़े साहब ने भेजा है आपको बुलाने के लिए, पर आप जाने के लिए राजी ही नहीं है। अब उनको जाके क्या बोलूं? उनसे कह दो कि वो मैं आती हूँ थोड़ी देर में खुद ही। जी अच्छा। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। सांस का धागा जैसे टूट रहा है, बांधा था बंधन कैसा बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं मेरी मोहब्बत का रंग मेरी उम्मीद से बहुत बढ़कर आया तुम्हारे चेहरे पे। उस रंग की गवाही मेरे हाथों में लगी मेहंदी से। देखो हमारी मोहब्बत का रंग कितना अच्छा रचा है। वैसे अफनान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। कैसे ना होती भी, मोहब्बत ही बहुत की है मैंने तुमसे। मोहब्बत तो मैंने भी तुमसे बहुत की है। अच्छा, ना साबित करो। क्या करो? अच्छा ही देखो, तुम्हारा नाम भी लिखवाया मैंने। अरे हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथों में मेरा नाम तो शुरू से ही लिखा है। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे हनीमून पे? झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने।